दोस्तों जब मैं गई थी DIY मॉल में तो ढेर सारी मैं शॉपिंग करके लेके आई हूँ। तो क्या लेके आई हूँ ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं सामान लेके आई हूँ शॉपिंग करके, वो सारा इस थैले के अंदर रखा हुआ है और सारी ही बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो दो आइटम थोड़े से बड़े तो हम साइड पर रख रखे हैं, आपको एंड में वो भी दिखाऊंगी, एंड तक वीडियो देखिएगा। छोटे छोटे आइटम से लेके थोड़े से बड़े भी हैं और जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगी है, मुझे लगा कि मेरे घर में मुझे यूज़ किया या मेरी बेटी के काम आएगी मुझे यूज़ किया, तो उस हिसाब से मैं वो देख लूँ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। ज़्यादा टाइम क्यों लगाएं, जब देखना ही है वीडियो का मेन काम क्या है आपको कुछ चीज़ें दिखाने का। तो चलिए शुरू करती हूँ, वही बता दिया चलते हैं। ये देखिए, ये है, दिखने में तो ग्लास की है ये प्लेट, आपको गर्मी की ग्लास में है, पर ये एक्चुअली ग्लास ना होती, ये फाइबर है और इसके अंदर काफी अच्छा डिजाइन है। मैं थोड़ा सा आपको इसको जूम करके दिखाऊंगी, आप तब देखिएगा। और बहुत ही खूबसूरत है ये, एक छोटी वाली प्लेट में थी और एक उस वहां पे साइज था इससे बड़े वाला। तो वो बड़े वाला मुझे अपने यूज से ज्यादा बड़ा लगा क्योंकि मुझे उसकी नीड नहीं थी, पर इसकी मुझे नीड थी तो ये मैं लेके आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ मैं लेके आई हूँ। ये है वॉलपेपर, से अदर से टेप बोलते हैं हम, हमें करना क्या होता है बस उसे पील करना है और जहाँ पे लगाना है उसे लगा सकते हैं। ये वॉलपेपर की तरह यूज होता है, आप चाहें तो जैसे सामने जो दीवार होती है वह दीवार पर भी लगा सकते हैं। नजदीक से आपको इसका कलर दिखेगा, ये ग्लिटर पर्पल कलर है, बहुत ही सुंदर है। मैं इसे कहाँ यूज करने वाली हूँ आपको आगे, काफी दिनों से मुझे इस चीज की जरूरत थी। आप सभी जानते होंगे कि ये क्या देखो, फाइबर का डस्टिंग क्लॉथ है ये, इसको आप हैंड में लगाते हैं और सारी जगह ऐसे ऐसे डस्टिंग करते हैं तो बहुत इजी होता है। सेम मेरे पास था पहले लेकिन वो खराब हो गया था तो मुझे उसे थ्रो करना पड़ा, तो इसलिए अब मैं इसको नया ले आई हूँ। तो ये स्टेशनरी का आइटम है, स्टेशनरी क्लिप चाहिए अलग अलग तरीके की, ये वाली बड़े साइज में है, ये वाली छोटे साइज में है और मल्टी कलर में है। इसे आप इस पे जो नाम लिखा है ऑफिस सप्लाईज एंड स्टेशनरी, यही नाम है। ये बाइंडिंग वगैरह के लिए चाहिए होती है, जब चार पांच पेपर हम इकट्ठे में लगाने होते हैं तो स्कूल वगैरह में भी नहीं होता है चीजों की, तो होती है। ये मुझे भी काम आती है और मेरी बेटी के भी काम आती है। पर इसमें एक चीज आपको बताऊँ की ये जो है ये गलता है और इसके ऊपर इनको बस एक पैच बना के लगा दिया जाता है, पर अब जब मैं इसको निकालूंगी तो मैं इसको तो यूज कर नहीं पाऊंगी, तो इसको मैं किसमें रखूंगी उसके लिए भी मैं कुछ लेके आऊंगी। इस चीज से आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी सामान हम खरीदते हैं ना, उस हर चीज को रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजर की नीड हो जाती है और उस ऑर्गेनाइजर को भी ऑर्गेनाइज करने की नीड हो जाती है। तो इसके लिए मैं क्या लेके आई मैं दिखाती हूँ, और प्लस इसके साथ मैं एक चीज और लेके आई हूँ। तो जो दूसरा आइटम है वो है ये सेफ्टी पिन है और छोटी छोटी सी है और गोल्डन कलर की है। इनको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे हम कुछ आर्टिफिशियल पेंडेंट वगैरह पहनते हैं तो उनके पीछे के जो हुक्स होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उनकी जगह आप इनको यूज कर सकते हैं, काफी अच्छी लगती है। और सेम शेड का होती है, जैसे गोल्डन कलर की चेन है आपका उसका हुक कट गया तो आप उसकी जगह इसको लगा सकते हैं। तो क्योंकि मुझे ये तीन आइटम एक साथ रखने हैं तो उनके लिए मैं एक ऑर्गेनाइजर लेके आई हूँ, है ये, इसमें थ्री सेक्शन दे रखे हैं। इसके लिए मैं एक ये ऑर्गेनाइजर लेके आई हूँ, ये 3-in-1 का एक सिंगल सेट है और इन तीनों के अंदर वही तीन आइटम आ जाएंगे जो स्टेशनरी से लिंक कर। बॉटल लेके आए हैं स्प्रे बॉटल और इसके ऊपर बड़ा प्यारी सी कैंची बनी हुई है, फॉर्म बना हुआ है। और क्या होती है जब कटिंग वगैरह करते हैं खुद से करना हो, या जैसे मैं कभी कभी अपनी बेटी के बाल जो है ना ट्रिम कर देती हूँ नीचे से, तो उस समय पर जरूरत पड़ती है। और जब अगर ये उस चीज के लिए काम नहीं आया तो घर की कोई भी काम करने के लिए आप यूज कर सकते हो, तो ये मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन वगैरह ये चीजें देख रही थी, जो भी आइटम लेके आई हूँ तो ये सब मुझे ऑनलाइन थोड़ी सी कॉस्टली लग रही थी, वहां मुझे ठीक लगी, तो इसलिए जो जो मुझे पसंद आता था ना मैं वो लेके आती। तो ये देखिए, ये वाला मैंने आपको एक
और दिखाया था पीस जो लास्ट में शॉपिंग करके आई थी उसमें सेकंड, मतलब सेम जगह से जब मैंने शॉपिंग करी थी, तो मैं एक पीस इसका पहले लेके आई थी और एक अब लेके आई हूँ, तो मैं दिखा देती हूँ क्या है ये। आई थिंक आप लोगों ने गैस कर भी लिया होगा। ये है कॉफी मग ऑरेंज कलर का, लास्ट टाइम मैं जो लेके आई थी वो था ग्रीन कलर का, ये ऑरेंज कलर है और बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको कप दिखा रही हूँ तो कुछ और भी दिखाना बनता है जो इसके अंदर है। तो दोस्तों नेक्स्ट आइटम ये है, तो चलिए इसको भी खोल के दिखाते हैं क्या है इसके अंदर। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, उन्होंने जब करी थी ना। यहाँ पर है ये चाय के लिए ग्लास, कांच की ग्लास है और वो वाली है जो बाहर आप तो कहीं चाय पीने जाते हैं तो आपको जिस चाय की ग्लास में चाय दी जाती है ये सेम वही वाली ग्लास, वही डिजाइन वही स्टाइल, छह का सेट है। एप्पल की शेप में स्काई ब्लू कलर का चॉपिंग बोर्ड, मैं बहुत रेयर चॉपिंग बोर्ड यूज करती हूँ बट थोड़ी बहुत कुकिंग में या किचन के कामों में ना आजकल मेरी बेटी को इंटरेस्ट आता है मेरे साथ हेल्प करने में, तो उसने मुझे वहां पे बोला कि मैं थोड़ा सा कुछ चॉप करके देखूंगी इसके ऊपर, तो आप ये ले लो। इसकी शेप देखिए कितनी सुंदर है, इसका स्टाइल डिजाइन कितना अच्छा है। तो फाइनली फिर मैंने ले लिया, चलो बच्चे हेल्प करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें उनके लिए लेनी भी होती है। और एक चीज और, ये है एक डायरी, ये भी मेरी बेटी ने अपने लिए ली है। ये है सैनिक रूप्स, इनका यूज मैं सब ज्यादातर यूज करती हूँ जिससे बाथरूम में, यहाँ पीछे बाथरूम है मेरा, और एक जो लिविंग रूम में वॉश मशीन होता है ज्यादातर वहां यूज होता है तो इसके लिए रोकती है। हालांकि ये ना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, मैंने देखा है मैक्सिमम अगर ये पूरी टैबलेट हम एक डाल देते हैं तो 3 दिन मैक्सिमम चलती है, बट फिर भी एकदम फ्रेश रहता है घर और उस फ्रेशनेस के लिए ही ये सारी चीजें खरीदी जाती है। तो ये देखिए एक बहुत छोटी सी क्यूट सी बाल्टी, बहुत प्यारी व्हाइट कलर की, और मेरी बेटी डिसाइड करेंगे कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, पर देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी है और छोटी छोटी चीजें मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। ओके ये अगेन फिर घर का जरूरी सामान बहुत बहुत जो कि हम अलमारी में या कपड़ों के अंदर बेड के अंदर इन सब जगह पे डाल देते हैं, ये सब ये मेरी खत्म हो गई तो ये मेरे को लेनी कंपलसरी थी। बहुत बड़े बड़े पैकेट मिल रहे थे पर जब मैंने ढूंढा वहां सर्च किया तो मुझे मेरी रीड वाला भी प्रोडक्ट मिल गया। और एक लिया है मैंने ये वाला प्रोडक्ट जो कि है ग्रीन एप्पल का हैंड वॉश, लिक्विड सोप है और काफी बड़ा है, मतलब नॉर्मली जो मैं मॉल में खरीदती हूँ ना तो छोटे छोटे पैक में अक्सर ऑफर दे देते हैं और इसके वो कहीं ना कहीं कॉस्टली ही पड़ जाता है, पर ये मुझे रीजनेबल लगा और इसका कलर भी बड़ा प्यारा लगा, मेरी बेटी को ये वाला कलर बहुत पसंद है तो इसका इसलिए हम ये वाला कलर लेके आए। आई थिंक एक कलर और था शायद पिंक कलर था, रोज कलर था वहां पे, तो हमें ये वाला अच्छा लगा तो ये लिया है। अब मेरा फैला हो गया है खत्म, पर खत्म होने से पहले इसके अंदर एक और बहुत सुंदर सी प्यारी सी चीज है वो है ये जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आया था, ये मिरर है, छोटू सा मिरर, जैसे जो मेकअप करते हैं तो बहुत जैसे फेसिंग के पास हम खड़े होते हैं तो काफी दूर लगता है, तो हम सोचे कि कोई ऐसा मिरर लेंगे जो काफी नजदीक रहे और एकदम हाथ में पकड़ने में इजी रहे। और इसके बेनिफिट क्या होता है, ऐसा आप मिरर कभी भी परचेज करते हो तो उसका एक बेनिफिट होता है, एक साइड ये बहुत बड़ा दिखता है, एक साइड काफी छोटा दिखता है, मतलब एकदम आगे की एक साइड का होता है एकदम फोकस करता है आपके फेस को, नजदीक ले आता है और दूसरी साइड थोड़ा दूर कर देता है, नॉर्मल कर देता है। तो जैसे ये वाली साइड जो मैंने अभी अपनी साइड के लिए ये साइड एकदम फोकस कर दी है, जैसे मुझे काजल या आईलाइनर लगाना है तो उसके लिए एकदम बेस्ट है, और जब मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ दूसरी साइड जो मेरी साइड आ रही है वो एकदम नॉर्मल फेस की होती है, तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा। पहला तो हो गया खाली, पर एक दो आइटम और है मेरे पास तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, इसको मैं साइड में देती हूँ। थैंक यू बेटा, तो ये दो चीज और हम लेके आए हैं, पहले आप ये देखिए ये है बॉल शेल्फ, एकदम प्योर व्हाइट कलर का और बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। पहले मैं सोच रही थी 2 से 3 ले लेती हूँ, फिर दिमाग में आया कि पहले मैं घर जाके एक ले जाती हूँ, देखूंगी मुझे कहाँ लगा है, फिर उस हिसाब से मैं प्लान करूंगी कि मुझे एक की और नहीं गई या 2 की और नहीं गई, पर उसकी क्वालिटी और चीज हमें पसंद आई
इसे आप ड्रिल भी कर सकते हैं, और हैवी वाली जो कोई एब्रेसिव टेप वाली आती है चीजें उनके साथ भी आप इन्हें लगा सकते हैं। तो मुझे तो ये छोटे छोटे शोपीस वगैरह ही रखने के लिए चाहिए था, लाइक जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रही हूँ आपको ऐसे रखना है, तो इस तरीके से ये काफी अच्छा है और काफी यूजफुल है। जिनके घर में स्पेस की कमी होती है ना, तो वो चाहें तो इसे किचन में भी यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा होता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये लास्ट आइटम, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बजट में भी है सबसे मेन बात। और देखिए उन्होंने पैकिंग कितने अच्छे से करके दी, ये है एक मिरर जो कि मुझे वॉश बेसिन वाले एरिया पे लगाने के लिए चाहिए। वो हर्षिता को दीदी सिनेमा बैठी है ये है एक मिरर। और मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना, ये बहुत लाइट चीज है, मतलब ये वो नहीं है कि आपको वुडन दिख रहा हो या मार्बल वगैरह की भी चीजें आती, नहीं ये एकदम कैसे मिल जाता है, तो एकदम एकदम हल्का फुल्का सा एकदम। इसको मुझे अपने वॉश बेसिन एरिया पे लगाना है जो कि लिविंग रूम में है, वहां पे शीशा लगा हुआ नहीं, तो इसको मैं वहां यूज करूँ। ये थी मेरी कुछ छोटी सी एक शॉपिंग, ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। अगर आप लोगों को कहीं भी अच्छी लगी, कोई भी चीज आपको पसंद आई हो और मुझसे उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। वीडियो में तब तक टिल देन टेक केयर, बाय 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 कर दिया ना शुक्र बाय। I'm gonna be better, better than you thought. I promise I won't jealous you.